गुंडों व हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ उज्जैन पुलिस की मुहिम तेज। कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी मनोज कुमार सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर 30 अपराध व 10,000 के नामी कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का विराटनगर स्थित मकान धराशायी करने पहुंची पुलिस व निगम की टीम। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी व अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीएसपी पल्लवी शुक्ला, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंगलवार सुबह विराटनगर पहुंचे। विराटनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का अवैध मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। बदमाश इमरान पर थाना चमनगंज क्षेत्र में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी है। इस कुख्यात बदमाश पर बलात्कार, जान से मारने का प्रयास, चाकूबाजी, जुआ सट्टा, लोगों के साथ मारपीट, रुपये छीनना जैसे अपराध पंजीबद्ध हुए। जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहा है। यहाँ कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार पूर्णिमा सिंह ही, सीएसपी एके नेगी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, मनीष मिश्रा, राममूर्ति शाक्य, प्रकाश वास्कले, मुनेंद्र गौतम, जेआर बर्डे सहित पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुंडों, बदमाशों व कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और वो अपराध चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, चाहे चिटफंड से संबंधित हो, कॉलोनी से संबंधित हो या फिर सहकारिता से संबंधित हो, न केवल उनके खिलाफ हम लोगों को प्रकरण दर्ज कराना है बल्कि उनके अपराधों के पीछे जो एक इकोनॉमिक तंत्र काम करता है, जो आर्थिक तंत्र काम करता है, उसकी भी कमर पूरी तरीके से तोड़ी जाए। तो उसके लिए जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी संपत्तियां हम लोग चिन्हांकित करेंगे। उन संपत्तियों को नष्ट करने का, रासात करने का या जो भी उनके खिलाफ इस प्रकार की चीज़ें करके उसके आर्थिक तंत्र को हम लोग कमजोर कर सके, ऐसी कार्रवाई करी जाएगी। और इसमें चाहे पुलिस से संबंधित हो, नगर निगम से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, सहकारिता संबंधित हो, जो भी नियम लागू होंगे सभी के तहत उन पर कार्रवाई करी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी माफिया हैं, जो भी गुंडे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के तहत उज्जैन जिले के जो नाम चिन्ह गुंडे हैं, जिनका शहर में आतंक है, जिनका खिलाफ रिपोर्ट करने लोग डरते हैं, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करी है, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसी क्रम में आज गुंडा बिल्ला के खिलाफ हम लोग या उसकी अवैध संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति को दर्ज करने का काम कर रहे हैं। इस गुंडे के खिलाफ करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। पिछले मई के महीने में से बहुत गंभीर अपराध किया है, जिसे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। तो भारतीय मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार इसकी जो अवैध कमाई है, उस कमाई से जो इसने अर्जित संपत्ति और घर मकान बनाया है, उसको नष्ट करने का हम लोग प्रयास किए हैं, ताकि इसके आर्थिक कमर टूट सके, आगे कोई वारदात न कर सके।